बिहार बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अब बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम देने वाले बच्चों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जल्द ही बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है और इसको लेकर कल टॉपरों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि कल बीएसईबी ऑफिस में टॉपरों का जो है इंटरव्यू होने वाला है और ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च के आखिरी तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ये पूरी खबर क्या है हम आपको और विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम है 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चला था। ऐसे में जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार 10th का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इंटर का रिजल्ट समय पर दे दिया गया था। अब ऐसे में 10th के बच्चे भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके इसी बीच एक बुरी खबर आई। ये बुरी खबर मोतिहारी से आई थी, जहां री एग्जाम हुआ और वो री एग्जाम अब समाप्त हो चुका है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि अब कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है और जो ये री एग्जाम हुआ है उस कॉपियों का मूल्यांकन भी जल्द ही 1-2 दिन में निपटा लिया जाएगा। और ऐसे में अब टॉपरों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए और कल की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कुछ एक दिनों में बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in पर आने वाला है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मैट्रिक टॉपरों की कॉपियां बोर्ड ऑफिस में आना शुरू हो गई है। अब एक्सपर्ट से उनकी रीचेकिंग करवाई जाएगी। शनिवार यानी कि कल तक मेरिट लिस्ट में ऊपर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की कॉपियां आ जाएंगी। कल से टॉपरों का इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड 2 दिनों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। ऐसे में 28 या 29 को बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। जी हाँ, बोर्ड की योजना है कि 30 मार्च से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाएं। ये बड़ी खबर है और ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि 30 मार्च से पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जो है आ जाएगा। और क्योंकि टॉपरों को बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मैट्रिक परीक्षा दे चुके 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन 17 तक होना था, अब कॉपियां पूरी तरह चेक हो चुकी हैं। हालांकि 24 मार्च को मोतिहारी में 25 केंद्रों पर हुए गणित के री एग्जाम के जो उत्तर पुस्तिका है एक या दो दिन में चेक हो जाएंगे। उसके बाद जल्द ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में छात्रों को इंतजार है मैट्रिक के रिजल्ट का। अब आप भी दिल थाम के बैठिए कि कहीं आप में से कोई एक टॉपर तो नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।